और ये ट्रॉली यहाँ पर अब ये एकदम बढ़िया लग रहा है। अब मैं यहाँ पर डालूंगा। और हो गया मिनी गार्डन के रिसोर्ट। अब बस दीवार की जरूरत है। डोरेमोन तुम्हें नहीं लगता इसमें कोई कमी रह गई हो? किस चीज की नौबता? ये इसकी रिसोर्ट तो साधारण लग रहा है। मैं सोच रहा था क्यों ना इसे असली जैसा बना दूं। अरे ये देखो, तुम इसे कहाँ इस्तेमाल करोगे? बस तुम देखते जाओ। तो क्या तुम मुझे सच में ले जाने आए हो? वैसे स्की रिसोर्ट का नाम क्या है? दरअसल मैंने नाम तो सोचा नहीं, पर वो बहुत सुंदर है। मैं हमेशा से खूबसूरत वादियों में स्की करना चाहती थी। काश कि ये पूरा हो जाए। अरे वाह, तुम आ गए नोबिता। शिज़ुका वहीं पर रुको। डोरेमोन शिज़ुका बड़ी वादियों में स्की रिसोर्ट करना चाहती है। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है। तुम जो भी करो डोरेमोन, पर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। अगर ऐसा है तो ह्यूमन रेडियो कंट्रोलर, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम चलते हैं शिज़ुका। हम वहाँ जाएंगे कैसे? वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम कर लो। ये तो छोटी हो गई। अब तुम भी नोबिता। जाओ खेलो और मजे करो। शिज़ुका, शिज़ुका उठो। क्या हुआ? मैं यहाँ? कितनी सुंदर जगह है, मैंने आज तक ऐसा स्की रिसोर्ट नहीं देखा। हाँ शिज़ुका वाकई, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं दिख रहा। क्योंकि इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ओ अच्छा, तो चलो स्की करते हैं। मैंने वहाँ एक बड़ी गोल सी चीज देखी। शायद चांद होगा। दिन के उजाले में? तभी तो वह जल्दी गायब हो गया। चलो चलो। मैं तो बस पकड़े जाने वाला था। समझ गया। इनविजिबल ग्लो। ऐसे राइड करने में बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ शिज़ुका, मैं ताजी हवा में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या तुम भी नोबिता? अब लंबी सांस भरो। हाँ मैं भी। और अब ऐसे बोलो क्या मेरी आवाज ऐसी थी? बताओ नोबिता। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। डोरेमोन प्लीज चुप रहना। नोबिता तुम अच्छा कर रहे हो। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये गैजेट इतना कमाल का निकलेगा। स्की जंप करना है तो वहाँ पर चलते हैं शिज़ुका। क्या ये शोहन का जंप स्टैंड है? तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन तुम देख रहे हो ना? मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है मैं जाता हूँ। डोरेमोन वो सब क्या है? वो बस थोड़ी देर के लिए। किचन से कुछ प्लेट्स गायब है, तुम्हें पता है कहाँ है? नहीं तो? अजीब बात है। नोबिता तुम ठीक तो हो ना? स्की करना बहुत हुआ, आप थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम गर्म पानी के झरने में जाना चाहोगी? क्या यहाँ ऐसा भी हो सकता है? मैंने इसे बोल से बनाया है। नहीं नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। वाह कितनी अच्छी खुशबू है। मैं जानता था तुम्हें ये अच्छा लगेगा। यहाँ स्वीट पोटैटो कौन बेच रहा है? तुम्हें बस ऐसा लग रहा है, पर मुझे ऐसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वैसे तुम स्वीट पोटैटो खाना चाहोगी? नहीं तुम ठीक।
ठीक कह रहे हो। ठीक है, तुम घर पानी के तालाब को एंजॉय करो। मेरे पास क्रूजर नहीं है, पर मेरे
मेरे पास बहुत बड़ी सबमरीन है। सबमरीन है? हमारे घर पर एक बहुत बड़ा तालाब है। क्या तुम्हारे पास है बिल? नहीं, पर हमारे यहाँ गार्डन में झील है। हमारे पास एक टापू पर बड़ा सा मेला भी है, समझे ना? क्या तुम्हारे पास ये है बिल? हमारे पास 3 कैसल है, एक जर्मनी में, एक स्विट्जरलैंड में और एक इंडिया में। सब मेरे डैड का है, इसलिए वो मेरा नहीं है। देखा जाए तो बिल के मुकाबले में सदियों तामिल नहीं है ना? इसके पास तो सदियों से भी ज्यादा चीजें हैं। प्लीज खरीदिए ना, एक गेट और एक एयरफील्ड। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर एक किला खरीदिए। वो भी हमारे लिए ज्यादा है। बिल का किला नहीं चाहिए। अभी फेब्रुअरी गया नहीं था। मैं बिल से कैसे जीत पाऊंगा? क्या हुआ सुनियो, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? डोरेमोन, डोरेमोन तुम थोड़े पतले हो गए हो। तुम सुंदर दिख रहे हो, सच को तो तुम जैसा कोई भी नहीं है। हाँ बस करो सुनियो। मेरा एक काम कर दोगे डोरेमोन? क्या ऐसा गैजेट जो तुम्हें पैसे दे? ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है सुनियो। डोरेमोन ऐसा मत कहो, वो बात ऐसी है कि मैं मॉम के लिए गिफ्ट लेना चाहता था लेकिन मैं अपना पर्स घर पर भूल आया हूँ, मेरी मदद करो। पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्यों, जिस पर मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। अरे हाँ, अगर वो इस्तेमाल करे तो क्या मुझे इससे पैसे मिल जाएंगे? दरअसल ये अलग है सुनियो, अगर तुम इस पर जरूरत के हिसाब से अमाउंट लिख कर साइन करो तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो। अरे कहाँ चला गया ये सुनियो बीना? क्या मैं इसे सच में इस्तेमाल कर सकता हूँ? एक फ्रूटी केक देना प्लीज अंकल। ठीक है, इसके पैसे दे दो। माफ करना, क्या ये चलेगा? बिल्कुल। ये तो मैंने सच में खरीद लिया, अब इसकी मदद से मैं बिल से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। क्या तुम स्कूल पैदल आते हो? मुझे गाड़ियों से जाना पसंद नहीं है क्योंकि पैदल चलते हुए मैं नजारों का मजा ले सकता हूँ। हेलो, कैसे हो सब लोग? तो फिर कैसी रही? सब कुछ सुने का है, नोटबुक, पेंसिल केस भी और इरेजर भी। ये बकवास है, क्योंकि मैं इसे कुछ भी नहीं मिटा सकता। ये सोने का रबर तुम्हारे किसी काम का नहीं है सुनियो। सही कहा। मुझे बताए तो मुझे चिढ़ा रहे हो। ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम खाना चाहते हो? ये स्पेशल और लग्जरी खाने हैं, जानते हो? ये स्कूल का खाना कितना बढ़िया है। ये बहुत टेस्टी है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? नहीं, रहने तो सुनियो। अब शर्मा मत, चलो बैठो ना। क्यों, कैसी लगी? अपने घर से भी ज्यादा यहाँ आराम कर सकते हो तुम। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? रहने दो, हम पैदल ही चले जाएंगे। हमें पहले पैदल जाना चाहिए था सुनियो। चलो चलते हैं। बाय। नाइस कैच, तुम बढ़िया खेलते हो बिल। तुम अच्छे दिख रहे हो। अच्छे, क्या बात है। सब बिल का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि वो खास है। ये लो 5,000 रुपए नोबिता, और जियान इसे तुम रखो। शिजुका तुम्हारे लिए 10,000 रुपए है। इससे तुम अपनी मनपसंद चीजें खरीदना और जो मन करे वो खा लेना। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ तो क्यों ना हम ये गेम मेरे घर पर खेलें, क्या कहते हो? तुम तैयार हो बे? अच्छे से खेलना। अब तुम्हें बिल से ज्यादा अमीर हूँ तो फिर ये मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मैं अपने दोस्तों को कैसे बहुत अच्छा लग सकता हूँ।
सबसे ऊंचा टावर बनकर तैयार हो चुका है, जिसे देखने के लिए हर जगह से लोग आएंगे। ये आपका स्वागत है। ये क्या है? दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर वन टावर, जो सबसे ऊंचा है और खूबसूरत भी है। सबसे मजबूत सीमेंट से बनेगा, प्लीज बचे हुए सीमेंट से मेरा स्टैचू जरूर बना देना। अरे सनियो, डोरेमोन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं इस लग्जरी टावर को बना पा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितने पैसे लगेंगे? चिंता मत करो, मेरे पास ये जो है, इस फ्यूचर चेक से तुम सिर्फ एडवांस के लिए पैसे पा सकते हो जो तुम्हें भविष्य में कमाने पड़ेंगे। क्या कहा, फ्यूचर मनी? सुनियो बेटा, ये तुम्हारे इस महीने की पॉकेट मनी। अरे जो चीजें तुमने फ्यूचर चेक से खरीदी है उनका भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें। क्या कहना चाहते हो? जाएं जीवी, ये तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाएगा। माचिस ले लो, माचिस, माचिस ले लो। ये सब दे दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी ठंड है माँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बूढ़ी होने पर तुम ऐसी हालत में आ जाओगे। नहीं, ऐसा क्यों होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हो सकता ऐसे। फिक्र मत करो, अब बस तुम्हें फ्यूचर चेक लौटाना होगा और बस आगे की जिंदगी काटनी होगी। अभी भी देर नहीं हुई है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मेरी मदद क्यों करोगे भला? अब तो मैं अमीर आदमी भी नहीं रहा हूँ ना। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती। क्योंकि बिल बहुत अमीर है, तुम सब उसका ख्याल रखते हो ना। ये कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसे नहीं है, हमारे लिए तो बिल और सुनिया दोनों दोस्त है। ऐसा है तो मुझे ऐसा क्यों लगा? जरा सुनिए, ये तैयार हो गया। नहीं, रुको रुको, मैं ये कंस्ट्रक्शन बंद कर रहा हूँ। क्या सोने से तुम्हारा मन भर गया? इंसान को पैसे से नहीं तोला जा सकता। बच्चों, कहते हुए बुरा लग रहा है कि बिल स्कूल छोड़कर जा रहा है। तुम लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है, तुम लोगों का शुक्रिया। हाँ? अरे नहीं, ऐसा क्यों? क्यों, तुम अचानक जा क्यों रहे हो? हाँ? बिल अब यहाँ नहीं होगा, मतलब अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, मुझे तो बस दोस्त चाहिए, वो भी तुम्हारे जैसे दोस्त। अच्छा हुआ कि मैंने तुम सबको नहीं खोया, पैसों से दोस्ती कभी भी खरीदी नहीं जा सकती है दोस्तों, ये सच है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, और बताकर भी कोई फायदा नहीं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा।
तुम इतनी दुखी हो, मैं अब और नहीं देख सकता। तुम इतना दुखी कैसे हो सकती हो? नोबिता बताओ आखिर बात क्या है? अपनी परेशानी बताओ, क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। शिज़ुका को खुश रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी करेंगे। क्या स्की के लिए जाना है? वो कह रही थी कि वो वहाँ पर नहीं जा पाए, पर मैंने भी उसे कह दिया कि मैं उसे वहाँ पर जरूर लेकर जाऊँगा। तुम हमेशा बेकार की बातें करती हो। ऐसे मौसम में ये कैसे हो सकता है नोबिता? हर जगह भीड़ है और तुम्हें पता है ना मुझे ठंड लगती है। पर मैंने उसे वादा किया था, अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वो मुझे झूठा समझेगी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शिज़ुका बहुत दुखी हो जाएगी। मैं तो शिज़ुका का सिर्फ सपना पूरा करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सका तो को मुझे देखने दो। तो भी कोई अच्छा सा गैजेट निकालो ना, जिससे शिज़ुका बहुत खुश हो जाए। इसे पहाड़ के बीचों बीच रख दूंगा। पर हम मिनी गार्डन का क्या करेंगे डोरेमोन? हम यहाँ स्की रिजॉर्ट बनाएंगे नोबिता, और खुद भी छोटी हो जाएंगी। हाँ समझ गया, तो मैं भी करूँगा। बस तुम कोई गड़बड़ मत करना। वहाँ? हाँ यहाँ पर। ये यहाँ पर ही ठीक रहेगा ना?